हेलो बन, लोअर पीसीएस का एग्जाम कब होगा और इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, ये सवाल आप लगातार पूछते रहे। आज हम यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखा जाए तो लोअर पीसीएस के एग्जाम इस साल यहाँ पे होने की संभावना बढ़ी है और इसके पीछे यहाँ पर कई सारे हालिया घटनाक्रम देखने को मिले हैं। सबसे पहली जानकारी जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी सरकारी पदों को भरे जाने को लेकर कैबिनेट मीटिंग में यहाँ पर एक आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, जिसके पश्चात यहाँ पर लोअर पीसीएस के फॉर्म जो आने की संभावना है वो अक्टूबर नवंबर तक बताई जा रही है। इसको लेकर यहाँ पर UB SSSC आयोग के द्वारा यहाँ पर इस बात की जानकारी दी गई है, जिसको लेकर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज यहां पर अगर आप देखें तो लोअर पीसीएस का जो लास्ट हमने एग्जाम देखा है, लोअर पीसीएस का लास्ट जो एग्जाम हमने देखा 2019 में, वो भी 672 पदों को लेकर के। लेकिन इसके बाद यहाँ पे लोअर पीसीएस का कोई एग्जाम हुआ भी नहीं और काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाए पिछले 4 सालों में चेंज भी हुई हैं। प्रशासनिक स्तर पे एग्जाम को लेने की प्रक्रिया के चीज़ों को लेकर के काफ़ी परिवर्तन आए हैं और इसलिए लोअर पीसीएस के एग्जाम को लेकर जो डेवलपमेंट हुई है वहाँ भी काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली जो जानकारी यह है कि आपको जो लोअर पीसीएस का यहाँ पे एग्जाम है वो कंडक्ट कराएगी UP SSSC, ठीक है। UP SSSC के द्वारा लोअर पीसीएस का एग्जाम लिया जाएगा। दूसरी जो चेंज यहां पर है कि आपको पता है लोअर पीसीएस के जितने भी एग्जाम कराए जा रहे हैं उनके लिए एक यहां पे कॉमन आपका प्रीलिम्स टेस्ट हो रहा है और दूसरा यहां पर देखा जाए आपको मेंस का सभी एग्जाम का अलग अलग टेस्ट हो रहा है, जो कि संभावना आपके लोअर पीसीएस में भी है क्योंकि PT का जो एग्जाम ये सभी को देना अनिवार्य है और PT का एग्जाम अगर आप देंगे तभी यहां पर अन्य एग्जाम चाहे लेखपाल का हो, चाहे UP SSSC ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी या उसके द्वारा यहां पर लोअर पीसीएस का फॉर्म है वो भी यहां पर लागू होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सभी यहां पर 2023 का जो PT का एग्जाम है वो जरूर यहां पर दीजिए, ठीक है। फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद यहां पे कंडक्ट एग्जाम जो है अक्टूबर में आपको कराया जाएगा। तो यहां पे अक्टूबर में कहने का मतलब है PT का जो यहां पे एग्जाम होगा उसको क्लियर करें, उसमें जरूर बैठें, उस एग्जाम को जरूर दें। और जो लोअर पीसीएस फॉर्म की जो वैकेंसी आने की संभावना है आयोग के द्वारा यही जानकारी दी गई है कि पीटी का एग्जाम कंडक्ट कराए जाने के बाद इसके रिजल्ट इत्यादि की घोषणा होने की स्थितियों में आपके लोअर पीसीएस के नोटिफिकेशन यहां पर जारी की जा सकती है। अर्थात जो लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आने की बात यहां पर हमें क्लियर होती है वो ये है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि आपको नवंबर तक यहां पर आ सकती है। नवंबर के स्टार्टिंग में हो सकता है, लास्ट तक हो सकता है, लेकिन नवंबर में यहाँ पे नोटिफिकेशन लोअर पीसीएस का भी आ सकता है। तो दोनों चीजें, क्योंकि सरकारी आदेश भी यहाँ पे सरकारी पदों को भरे जाने को लेकर हुआ है और दूसरी जो चीज यहाँ पर है कि आयोग के द्वारा यहाँ पर भी यह बात कही है कि लोअर पीटी के एग्जाम के बाद लोअर पीसीएस के फॉर्म के नोटिफिकेशन को लेकर हम यहाँ पर जारी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं, क्लैरिटी यहाँ पे डेट अभी फाइनल नहीं हुई है लेकिन एक चीज ये क्लियर जरूर हो गई कि लोअर पीसीएस का फॉर्म आने वाला है। तीसरी यहाँ पे जो जानकारी है कि ये फॉर्म को कितने पदों की संख्या को लेकर हो सकता है। लास्ट हमने देखा कि 672 पदों की लास्ट वैकेंसी आई थी और पिछले 4 साल में कोई लोअर पीसीएस की वैकेंसी यहां पर भरी नहीं गई है, इसलिए यहां पे जो अलग अलग विभागों में देखा जाए जो लोअर पीसीएस की वर्तमान जो संख्या है जो खाली है इस समय वो आपको करीब 500 से लेकर आपको 600-700 तक यहां पर आपको ये पद खाली मिल रहे हैं। अर्थात कि जो वैकेंसी है आपको एक बड़ी वैकेंसी आ सकती है, लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है अराउंड आपको पिछले 2019 की वैकेंसी की तरह ही आपको एक बड़ी वैकेंसी आने की संभावना है। तो यहां पर आप सभी रेडी रहिए लोअर पीसीएस के एग्जाम पैटर्न को लेकर जो भी चेंजेस यहां पर होने वाले हैं, नए तरीके एग्जाम यहां UP SSSC के द्वारा जो कंडक्ट कराए जाएंगे। सबसे पहले आपको पीटी क्लियर करना है तो पीटी सभी लोग एग्जाम दीजिए और उसके बाद यहां पर वेट करिए, नवंबर तक में यहां पर आपको बाकी क्लैरिटी मिल जाएगी। जो भी नई सूचना यहां पर लोअर पीसीएस को लेकर आएगी वो फिर मैं आपके साथ यहां पर साझा जरूर करूंगा। फिलहाल जितनी जानकारी यहां पर अभी आई हुई थी वो मैंने यहां पर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी वो आपके साथ मैं साझा करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।